धर्मनगरी के थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर जड़ा ताला। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारियों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को कहा, खरीद नहीं तो घर बैठो। दरअसल प्रदेश सरकार ने दावे किए थे कि कुरुक्षेत्र, केथल, करनाल सहित 4 जिलों में 26 सितंबर से शुरू होंगी धान की खरीद, लेकिन धरातल पर नहीं शुरू हुई खरीद। देखिए कुरुक्षेत्र से अर्थप्रकाश टीवी के लिए कुलतार बुधवार की रिपोर्ट। पहले 6 साल क्या मामला है, क्या बात? हमारा मामला किसान की जो फसल है वो खरीदी नहीं जा रही है, और किसान जरूर से ज्यादा तंग है, उसके साथ मजदूर तंग है, उसके साथ आढ़ती तंग है, उसके साथ सेलर वाले तंग है। ये सारा डिपार्टमेंट जो इसके थ्रू चलता था, आज वो अनाथ होकर सारे अपने घरों में या दुकानों पे बैठे हैं। सारी मंडी में गिरी भरी हुई है, ये बर्बादी के तौर पे जारी है, इसका कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। हमारा सरकार से अनुरोध है, कृपया इसको जैसे पहले खरीदते थे वैसे खरीदते रहें, उसमें किसान भी राजी है, सेलर वाला भी राजी है, आढ़ती भी राजी है, मजदूर भी राजी है। हम इसको ये चाहते हैं अभी हमारी फसल खरीदी जाए, जो सरकार कहती है अभी हम खरीदेंगे, हमने कौन सा मना किया अभी खरीदो ना, लेकिन ये सरकार जबरदस्ती 2-4 दुकानों पे ले गए, 2-4 बोरी भर के हमारे लिए एक संकट पैदा करना चाहती है। हम ऐसा कोई संकट पैदा नहीं करना चाहते जिससे कोई किसान का नुकसान हो, आढ़ती का नुकसान हो, सेलर वाले का नुकसान हो, मजदूर का नुकसान हो। हम सरकार से ये चाहते हैं भी इनकी किसानों की जीरी जो है ना फटाफट खरीदी जाए, और उसमें कोई देरी ना करे। अगर ये देरी करेगी तो ये सारी जमात आज यहाँ है, कल ये सड़कों पे आएगी, उसके बाद फिर ये कहीं और भी जाएगी, ये आत्मदाह करने तक भी जाएगी। इससे ज्यादा जी साथियों, हम तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिमीदार की जितनी भी फसल पड़ी है ये सोना पड़ा है, ये 10 दिन से और 15 दिन से पड़ा है, इसको सरकार खरीद नहीं रही। कल खरीद के नाम पर यहाँ पर आए, 100 डेरी से 2 डेरी खरीदी, उसमें मोस्चर बता देते हैं। जिमीदार यहाँ पड़ा 10 दिन से रात दिन, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं जिमीदार का एक एक दाना खरीदिए। यदि जिमीदार को आढ़ती का दुख, आढ़ती की अर्थ का दुख है, कोई अर्थ की हमें जरूरत नहीं है, वो अपना माल जिमीदार का माल ठा के उनकी पेमेंट करे। जब तक किसान की फसल नहीं उठेगी तब तक वहाँ से संघर्ष करते रहेंगे। यदि इस फसल को बर्बाद कर दिया, 15 दिन से पड़ी है, जिसको मोस्चर बता के उसको छोड़ देते हैं। कल ही आई थी, कल 10 डेरी खरीदने के बाद जवाब दे दिया, ये भी मोस्चर है, ये भी मोस्चर है, मोस्चर के नाम पे, डैमेज के नाम पे, डिसकलर के नाम पे। इसलिए किसानों को तंग कर रही है, और ये ना कोई एक भी सिंगल डेरी भी यहाँ से आज तक नहीं गई है। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से, किसान का माल ठाक तोल के उसकी पैसे देकर माल ठाक ले। अगर नहीं होती सुनवाई नहीं होती तो क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई तो एजिटेशन करेंगे, धरना देंगे, जीटी रोड रोकेंगे। किसान यहाँ तक तैयार हो, आत्मदाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए इन किसानों को बचाने के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।